शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। हाँ तो बच्चों, जो मैंने चार लाइन माँ के बारे में लिखने को बोली थी वो तुम लोगों ने लिखी। शाबाश। राजू, तुमने लिखा कि नहीं? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, लिखा कि नहीं? इधर आओ। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। अरे क्लास में क्या सोता रहता है? बोल, जवाब दे। तू ऐसे नहीं बोलेगा, ये बैत तुझसे बुलवाएगी। हाथ खोल। मास्टर जी से मत मारिए, ये माँ के बारे में कैसे लिखेगा कि तो माँ ही नहीं है। हेलो, दिल्ली से फोन है। दिल्ली से? एक मिनट, साहब आपका दिल्ली से टेलीफोन है। हेलो, हाँ मैं प्रेम बोल रहा हूँ। कौन? श्रीवास्तव रामू काका। हाँ बेटा। पापा किससे बात कर रहे हैं? दिल्ली में किसी से बात कर रहे हैं बेटा? दिल्ली में? दिल्ली तो बहुत दूर है। अरे बेटा, आजकल दिल्ली तो क्या, आसमान में भी कोई हो तो उससे भी बात की जा सकती है। बादलों के भी ऊपर? बिल्कुल। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो राजू बेटा, बुआ धोलो, खाना खाते। टेलीफोन एक्सचेंज। मुझे भगवान के घर का नंबर चाहिए। क्या, कहाँ का नंबर? भगवान के घर का नंबर। मुझे अपनी माँ से बात करनी है। क्या तुम्हारी माँ भगवान के पास है? हाँ, वो मेरे पैदा होते ही भगवान के घर चली गई थी। उनसे कहो ना, उनके राजू का फोन है। एक मिनट नीता। कोई लड़के का फोन है, वो भगवान का नंबर मांग रहा है, अपनी माँ से बात करना चाहता है। तू उससे बात कर लेना, बेचारे का दिल बहल जाएगा। जाना यार, क्यों बोर कर रही है? प्लीज, मेरी खातिर दो मिनट बात कर लेगी तो तेरा क्या बिगड़ेगा। ठीक है, दे। लो बेटा, अपनी माँ से बात करो। हेलो माँ, 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 मैं राजू बोल रहा हूँ माँ, तुम्हारा राजू। जानती हूँ बेटा, मैं भला अपने राजू को नहीं पहचानूंगी। तू मुझे पहचान गई माँ। माँ तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है माँ। तुम भगवान से छुट्टी लेके मेरे पास आ जाओ माँ, तुम आ जाओ। मैं नहीं आ सकती बेटे, मेरी मजबूरी है। क्यों नहीं आ सकती? क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती माँ? करती हूँ बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर क्यों नहीं आ सकती? क्या मुझसे कोई गलती हो गई माँ? लो मैं कार पकड़ता हूँ, अब कभी कोई गलती नहीं करूँगा, तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। लेकिन राजू बेटा, मैं आज ना मत करना माँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारी गोद में सर रख के सोना चाहता हूँ। रोते नहीं बेटा, रोते नहीं, तू तो मेरा बहादुर बेटा है ना। देखो माँ, मैं साफ साफ कह देता हूँ, परसों मेरा जन्मदिन है, अगर तुम नहीं आई ना तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा और अपनी जान दे दूंगा। नहीं राजू बेटा, ऐसा नहीं कहते। तो फिर वादा करो कि तुम मेरे जन्मदिन पर जरूर आओगी। आओगी ना माँ? आऊंगी बेटे। देखो माँ, भूलना नहीं, जब तक तुम नहीं आओगी मैं केक नहीं काटूंगा। तेरे जन्मदिन पे तेरी माँ जरूर आएगी बेटे, जरूर आएगी। अच्छा माँ। बाबूजी, बाबूजी, माँ आ रही है, मैंने अभी उनसे बात की, वो बोली मेरे जन्मदिन पर जरूर आएगी। तेरी माँ जरूर आएगी बेटे, तेरे जन्मदिन पे तेरी माँ जरूर आएगी। हे राजू, जल्दी के काटना यार, बहुत भूख लगी है। अभी नहीं, माँ के आने के बाद। माँ के आने के बाद? अरे कोई भगवान के घर से वापस आता है क्या? मेरी माँ जरूर आएगी, उसने खुद मुझसे कहा है। ये लो, इसने तो माँ से भी बात कर ली, लगता है कोई तुम्हारी माँ का भूत होगा। मेरी माँ का भूत?
राजू हमेशा की तरह बाबूजी ने आज भी झूठ बोला, आज भी मेरी माँ को नहीं लेकर आए। लक्ष्मी देख रहा हूँ वो तू देख रही है ना। हाँ, मैं भी वही देख रही हूँ। मेरा नाम तोताराम, तोताराम, तोता नहीं। ये लीजिए दवा, वक्त पे पी लीजिएगा, याद से। दीदी मेरी प्यारी दीदी, मेरी बहना, मेरा प्यारा गहना, तू हमें छोड़कर क्यों चली आई? मैं ना बताती की कसम, जब से तेरी डोली उठी मुझे लगा मेरी अति क्यों नहीं उठ गई। क्या बताओ, इतना रोए इतना रोए, लगा जैसे म्युनिसिपैलिटी का गड्ढा फट गया हो। म्युनिसिपैलिटी का गड्ढा नहीं, पानी का पाइप। अरे एक ही बात है सीधा जी, अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। रोइए मत तोताराम जी, आप चाहें तो खुशी से हमारे साथ रह सकते हैं। लक्ष्मी तुम इनको अंदर ले जाओ, मैं जरा कलेक्टर साहब से मिलकर आता हूँ। धन्य है जीजा जी, जीजा जी धन्य है, जीजा जी धन्य है। जीजा जी तो बड़े सीधे लगते हैं मेरी प्यारी बहना, लेकिन अभी तक ये बंगला जमीन जायदाद सब अपने नाम करवाया कि नहीं? तुम फिक्र मत करो भैया, कुछ ही दिनों में सब कुछ हमारा हो जाएगा। पहला हम लुट गए, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। ये वसीयत देखी तुमने, ये वसीयत। ऐसा क्या है मुझे इस वसीयत में? अरे मैना वती, इस वसीयत में है मेरी बहना का दुर्भाग्य। हमने तो अपनी बहना की शादी प्रेम बाबू जैसे विदुर से इसलिए रचाई थी ताकि उनकी जायदाद पर अपना हक जमा ले, लेकिन हो गया बिल्कुल उसका उल्टा। प्रेम बाबू निकले बिल्कुल निकम्मे, वो तो सिर्फ इस जायदाद की देखभाल के लिए है, इस पर उनका कोई हक नहीं है। पूरी चुड़ैल निकली राजू की माँ, मरने से पहले सारी जायदाद राजू के नाम कर गई। हे राम, सत्यानाश हो गया। सत्यानाश नहीं मैनावती, सारा सत्यानाश। उस चुड़ैल ने वसीयत में ये भी लिखवा दिया है कि जब तक राजू की शादी नहीं हो जाती और शादी के बाद राजू की बीवी की रजामंदी नहीं होती, राजू अगर चाहे भी तो जायदाद किसी और के नाम नहीं कर सकता। अरे हमारा तो ठीक है, लेकिन उसका क्या होगा जो बहना के कोख में पल रहा है? उसे तो उसका हक मिलना चाहिए। अरे बिल्कुल मिलना चाहिए भाई। मेरी कोख के बच्चे को उसका हक जरूर मिलेगा, देखना भैया। मैं राजू को अपने बस में इस तरह करूंगी कि आज के बाद वो जागेगा तो माँ कहेगा, सोएगा तो माँ कहेगा, जिएगा तो माँ कहेगा और मरेगा तब भी माँ कहेगा। कितने मन गेहूं बेचे मुनीम जी? 16 मन माँ जी। ठीक है, लौटते वक्त वसूली करते आइएगा। जी माँ जी। बेटे तुझे मालूम है ये मुनीम कितना पढ़ा लिखा है? बहुत पढ़ा लिखा है माँ, ये अंग्रेजी भी बोलता है। तो फिर हमारे सामने झुककर हाथ जोड़ के क्यों खड़ा है? इसलिए जो पढ़े लिखे होते हैं वो दूसरों का आदर करते हैं। नहीं बेटा, इसलिए कि हमारे पास बहुत पैसा है और ये पैसा तेरे पिताजी ने खेतों में काम करके कमाया है। लेकिन माँ आदमी पढ़ लिखा ही तो। नहीं बेटे, मैं तुझे समझाती हूँ, आ मेरे साथ। जी यार। देख जी। सब लोग तेरे पिताजी के सामने कैसे हाथ बांधे खड़े हैं। वो जो काले कोट वाला है ना, वो वकील है। वो जो सफारी में है वो तहसीलदार है। बाकी सब भी पढ़े लिखे हैं। पढ़ लिख कर आदमी सिर्फ नौकर बन सकता है बेटे। मुझे नौकर नहीं बनना है माँ, मैं मालिक बनूंगा। मालिक बनना है तो खेतों में काम कर, क्योंकि असली खजाना किताबों में नहीं जमीन में छुपा है बेटा।
मैं खेत में काम करूंगा। शाबाश बेटा, तो फिर इन सब की क्या जरूरत है, ला मैं फेंक देती हूँ। इसे नहीं माँ, इस पर तुम्हारा नाम लिखा है, तुम कहती तो मैं इसे फाड़ डालता हूँ। देख बेटा, ये हमारी जमीन का वो हिस्सा है जो बरसों से बंजर पड़ा हुआ है। यहाँ अनाज तो क्या, घास का एक तिनका भी पैदा नहीं हुआ। तुझे अपनी मेहनत से इस बंजर जमीन को हरे भरे खेतों में बदलना होगा। ये क्या कर रही हैं आप, इस नन्ही सी जान पे इतना बड़ा बोझ डाल रही हैं। जिस जगह पे हट्टे कट्टे नौजवान एक घास का तिनका नहीं उगा सके, उस बंजर जमीन को ये बच्चा क्या उपजाऊ बनाएगा। बंजर जमीन थी, अगर तूने कहा होता तो मैं रेगिस्तान में भी हरियाली पैदा कर देता। माँ का हुक्म हो और बेटा ना माने। बैग में क्या पत्थर भरे हैं? अरे अरे, इतने में थक गए? चकी बैग उठा के ला रहा हूँ। लगता है रमेश भैया हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रहे हैं। अरे पांडू, ये क्या बीवी के साथ गुजर गुजर कर रहा है, घर में वक्त नहीं मिलता क्या? सामान रख दिया ठीक से? वही तो कर रहा हूँ। Hey, you don't shout on me. आया? आया? Okay. चलो ठीक से बिजली बंद कर दो, कोई चीज ना रह जाए। नमस्ते दीदी। चल रमेश जल्दी कर, देर हो रही है। ठीक से जाना मामा, ठीक से, तुम लोगों की बहुत याद आएगी, मेरी याद साथ में ले जाना। बाय 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 बाय। अरे मैं क्या शैतान हूँ, ये मुझे देखकर चिल्लाई क्यों? अगर आप शैतान होते तो नहीं चिल्लाती, लेकिन नंगे से तो नारायण भी घबरता है। नंगा? तुमने तो कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन आपने कहाँ पहने? इस तरह से गाड़ी रोकने का क्या मतलब है? हटो सामने से, हमें देर हो रही है। हम तो सिर्फ देर कर रहे हैं, लेकिन तुमने तो अंधेर मचा रखा है लक्ष्मी देवी, जो हमारी जमीन हथिया कर बैठ गई। तू किस जमीन की बात कर रहा है? वो जमीन हमारी है और हमारी ही रहेगी। झूठ बोल रही हो तुम, वो जमीन हमारे पुरखों की है, और अगर तुमने सीधी तरह से जमीन हमारे हवाले न की तो मुझे टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है। कमीने, मुझको धमकाता है, तुझसे जो बन पड़ता है कर ले। तू जैसे कुत्तों के मुंह नहीं लगते। गाड़ी छूटने का वक्त हो गया और अभी तक राजू नहीं आया। माँ, कहाँ रह गया था बेटा? माँ, वो चंदू हलवाई से रमेश के लिए बादाम का हलवा बनवा रहा था ना, इसी में देर हो गई। अच्छा। अरे चल रमेश, गाड़ी में बैठ, गाड़ी चल पड़ी। अरे रुक रुक रुक, माँ के बहुत अच्छो चीते रहो। चल 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 चल, ये तो गाड़ी छूट गई। अच्छा बेटा। अरे 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 रमेश, ये हलवा तो मैं तुझे देने ही भूल गया। इसे रोज दूध के साथ खाना, इससे दिमाग बहुत तेज होता है। और देख, ये तेरा आखिरी साल है, खूब मन लगा के पढ़ना। माँ का सपना है कि तू बहुत बड़ा डॉक्टर बने और ये सपना तुझे पूरा करना है, समझ गया ना रमेश? अपना ख्याल है भैया, तुम जाओ, पहुंचते ही खबर देना।
इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है, चुपचाप इस पर दस्तखत कर दो वरना। मुझे धमकी देता है हरामजादे? मुझे हरामजादा कहती है तो तू कौन सी देवी है? सारा गांव जानता है कि तू कितनी नीच और घटिया किस्म की औरत है। हजारों पापी मरते हैं तो तुझ जैसी पापिन पैदा होती है। मेरी माँ को गाली थी, मेरी माँ को, मेरी माँ को। अरे ये कोई इंसाफ है? तिवारी अपना हक मांग रहा था तो उसके जान लेने पर तुल गया। अजी उसे क्या मालूम सही क्या और गलत क्या है, वो तो बस अपनी माँ के प्यार में अंधा है। जाने क्या मंत्र मार रखा है इस कमबख्त ने, बेटा सौतेला है मगर सगे बेटे से ज्यादा प्यार करता है, एकदम पागल बना रखा है। राजू तो खैर सौतेला है, इसने तो अपने पति तक को पागल बनाकर कमरे में बंद कर दिया है। इससे पहले वो राक्षस आ जाए आप जल्दी से खा लीजिए। भूख मेरे पेट में नहीं मेरे सीने में है पांडु, पेट तो जानवर भी रूख सूखा खाकर भर लेता है, लेकिन मैं एक जानवर की नहीं इंसान की जिंदगी जीना चाहता हूं। मैं इस नरक से निकलना चाहता हूं, या मेरा दम घुटता है पांडु, या मेरा दम घुटता है। हौसला रखिए बाबू जी, हौसला रखिए। एक बात पूछो, आप और इस कालकोठरी में कुछ समझ में नहीं आता? 20 साल पहले की बात है जब मैं राजू के लिए इस घर में एक माँ लेकर आया था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि उसने सिर्फ दौलत के लिए मुझसे शादी की थी। जब उसे पता चला कि सारी जायदाद राजू के नाम है तो उसने राजू को अपने वश में करने के लिए उसे पढ़ने लिखने दे दिया, और इस बात का मुझे पता चला तो स्कूल नहीं जाएगा तो मैं तेरी टांगे तोड़कर रख दूंगा। अरे अरे ये आप क्या कर रहे हैं, मासूम बच्चे को मारिए मत। मैंने मालकिन से भी कई दफा कहा लेकिन उन्होंने भी कुछ क्या? लक्ष्मी ये सब जानती है? लक्ष्मी फिर मुझे रास्ते से हटाने के लिए मेरी पत्नी और उसके भाई ने मिलकर साजिश की। लक्ष्मी और जीजा जी के होश में आते ही उनको एक खुराक और पिला देना। जी लक्ष्मी मेरा सर चकरा रहा है, आप ये दवा पी लीजिए सब ठीक हो जाएगा। ये दवा नहीं पीऊंगा मैं ये दवा नहीं पीऊंगा। मेरी बेहोशी का फायदा उठाकर मुझे ऐसी दवा पिला दी जिससे कुछ देर के लिए मैं अपने दिमाग का संतुलन खो बैठा और रस्सी को भी सांप समझने लगा।